हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हूँ जो डामोर सेजल। नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि खांसी और फ्लू से बचने के कुछ बातें, आपको कैसे रखने हैं ख्याल, तो उसके हम टिप्स देखेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो कर ले। तो मौसम में परिवर्तन होने पर सर्दी आपको हो सकती है और उसके दौरान आपको खांसी और फ्लू का संक्रमण हो सकता है। और आम बात है कि लेकिन यह समस्या ठीक होने में बहुत वक्त लगाती है और कई बार तो आपके द्वारा कई कई सारे जतन इन पर नाकाम साबित हो सकते हैं, लेकिन खान पर ध्यान देकर इन्हें आसानी से आप रोका जा सकता है। आइए जानते हैं सर्दी खांसी और फ्लू का संक्रमण होने पर किन बातों का आपको रखना है ख्याल। तो चले जानते हैं। तो उसमें है, आप दिन भर खूब पानी पिए और लेकिन पानी उबला हुआ होना चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और कम से कम उसे 6 से 7 ग्लास लिक्विड डाइट जरूर लें। दूसरा है, लहसुन और मिर्ची को भोजन में शामिल करें। और लहसुन गर्म होने के साथ ही एंटीबैक्टीरियल होता है और वे मिर्च में कैप्सिसिन नाम का तत्व पाया जाता है जो नेजल और साइनस कंजक्शन ठीक करने में सहायक होता है। और तीसरा है, विटामिन सी युक्त फलों और सब्जियों का आपको प्रयोग अधिक से अधिक करें और मशरूम, नींबू और शहद को डाइट में जरूर शामिल करें। और आपको जीवित भोजन पदार्थों का भरपूर प्रयोग करें और रेड मीट, अंडा, दही, साबुत अनाज और भोजन में शामिल करें इसे। अगर आप मांसाहारी है तो चिकन सूप का प्रयोग जरूर करें और इसमें सिस्टाइन नाम का तत्व पाया जाता है जो कफ को ढीला करने में मदद करता है। ये थे हमारे खांसी और फ्लू से बचने के कुछ उपाय। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।